गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं छाया सिंह। तो आज मैं फिर आप सभी के लिए ब्लॉग लेके आई हूँ। तो आज मैं संडे मॉर्निंग रूटीन आप लोगों को दिखाने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। नाश्ता में मैं सैंडविच बनाई थी, नॉर्मल सा सैंडविच बनाई थी जल्दी जल्दी से। तो हम लोग ने सैंडविच खाया, चाय पी लिए, तो हमारा ये रूटीन ख़त्म। अभी हम लोग का रूटीन स्टार्ट होगा, क्योंकि चाय हो गया, नाश्ता हो गया, तो अभी घर की साफ सफाई होगी, खाना बनेगा। तो आज का लंच बनाएंगे मेरे पति। डिंग 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 डिंग। हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज भी ब्लॉग के लिए झूठ बोला गया है, ऐसा कुछ नहीं कि मॉर्निंग रूटीन शेयर होगा। चुप रहो, मैंने हमेशा ऐसे कहा था, उन्होंने बताया। आज चिकन हमसे बनवाना का बोलते ना, चिकन हमसे बनवाना था, तो इसके लिए ब्लॉग के नाम पे बोला गया कि चिकन तुम बनाओ, तुम बहुत अच्छा चिकन बनाते हो। तो आज तो मैं रेसिपी शेयर किया जाएगा आप लोगों के साथ। तो आज मैं चिकन बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि मेरा चिकन का रेसिपी क्या है, बिहारी स्टाइल कैसे, एकदम स्पाइसी वाला, एकदम ऐसे मत करो, खराब ऐसा हो नहीं सकता। ऐसे बहुत टाइम के बाद बनाने जा रहा हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि मैं चिकन अच्छा बनाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं हम आपको चिकन कैसे बनता है। तो ब्लॉग में बने रहिए चिकन का रेसिपी जानने के लिए। तो मैं आपको सीधे मिलती हूँ किचन में। तो हम लोग किचन में आ चुके हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ प्याज काटा जा रहा है, सारा काम यही करते। मैं नहीं, प्याज व्याज काट के नहीं देती, पूरा काटना पीटना बनाना सारा इनका काम रहता है। हम लोग चिकन वाले को कॉल कर देते तो वो लाके घर पे दे के जाते। तो एक अच्छा यहाँ का है कि कॉल करो और आपको घर पे लाके दे देते और आप ऑनलाइन पे कर दो। तो यहाँ प्याज काटा जा रहा है क्या। तो यहाँ कांदा काट रहे हैं, कांदा काटने के बाद पानी में डाल दिया कीजिए, इससे आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। और यहाँ देखिए चिकन को अच्छे से धो लिया गया, उसको हल्दी से उसको फेस पैक लगा दिया गया, चिकन को हल्दी फेस पैक की, ज़्यादा ये टेस्टी बने। तो आप लोगों को मिलती हो चिकन की पूरी अच्छी से तैयारी हो जाएगी, प्याज कट जाएगा, मसाला पिस जाएगा, जब चिकन बनने लगेगा तब मैं आपको रेसिपी दिखाऊंगी। तब तक मैं जा रही हूँ घर की डस्टिंग करने, साफ सफाई करने। मेरे यहाँ कोई मेड नहीं आती, मैं सारा काम खुद करती हूँ, तभी मैं इतनी स्लिम हूँ। अगर आपको भी स्लिम बनना है तो आप घर का सारा काम करें, भाई को घर पे नहीं बुलाए, तभी आप स्लिम होंगी। इधर जिम जाना, ये करना, वो करने से कुछ नहीं होगा। भाई लोग तुम्हारे, भाई लोग ना तुम्हारे अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेगा। हाय नहीं, हाय हाय चाय ऐसे, हाय हाय चाय ऐसे नहीं। जिसको पतली होना है वो घर के सारे काम करे, तो आप इजली पोछा लगाए, वो भी बैठ के, स्टिक वाले पोछा नहीं, एकदम बैठ के एकदम आराम से। तो देखिए आपका पेट कितना आराम से अंदर जाता है। तो मैं मिलती आपको सारा काम करने के बाद, जब चिकन बनना स्टार्ट होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो हमारा चॉपिंग रेडी हो गया है, ये है लहसुन और मिर्ची, ये जिंजर गार्लिक है जिसका पेस्ट बनाऊंगा मैं, और ये है हमारा चिकन जो हल्दी के साथ मैरिनेट हो रहा है। यहाँ खड़े मसाले के लिए मैंने लिया है गोलकी, जीरा, लौंग, दालचीनी, चक्रफूल, खड़ी इलायची, सूखा लाल मिर्च, तेजपत्ता। खड़े मसाले को मैं लहसुन और मिर्ची के साथ गरम तेल में डालूंगा, उसके बाद फिर कांदा डाल दूंगा, उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल दूंगा। नमक डालने से कांदा जल्दी से फ्राई हो जाता है, इसके लिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा नमक यूज़ करता हूँ। उसके बाद इसे अच्छे तरीके से फ्राई करूँगा, जब कांदा अच्छे से लाल फ्राई हो जाए तब उसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट जो है वो डालूंगा और उसे भी अच्छे तरीके से फ्राई करूँगा। सो ऑलमोस्ट 15 से 20 मिनट मुझे कांदे को और जिंजर गार्लिक पेस्ट को फ्राई करना है, उसके बाद मुझे मसाला डालना है। तो अभी मैं मसाला डालूंगा। तो ये है धनिया, हल्दी, मिर्ची, गरम मसाला एंड चिकन मसाला। तो अभी मैं इसे डाल रहा हूँ।
मैं मसाले को थोड़ा ज़्यादा फ्राई करता हूँ ताकि जब चिकन तैयार हो तो उस समय कांदा जो है वो टुकड़े में ना दिखे, वो पूरा ग्रेवी ही दिखे। तो इसलिए मेरा कांदा एकदम जब ग्रेवी बन जाता है उसके बाद मैं चिकन डालता हूँ। तो अभी मैं चिकन डालूँगा क्योंकि कांदा एकदम फ्राई हो चुका है और चिकन को भी ऑलमोस्ट 5-10 मिनट तक आपको फ्राई करना है। 10 मिनट तक फ्राई करेंगे तो उसमें पानी निकल जाएगा। हम चिकन राइस के साथ खाने वाले हैं, इसके लिए थोड़ा सा मैं एडिशनल पानी भी डालूंगा ताकि ग्रेवी थोड़ा थिक ना हो के थोड़ा पतला हो, लेकिन थोड़ा हमें स्पाइसी और थिक ग्रेवी पसंद है तो थोड़ा सा ही पानी डालूंगा और उसे 15 से 20 मिनट तक उसे पकने के लिए छोड़ दूंगा और बीच बीच में इसे चलाते रहना है ताकि नीचे से चिकन जले ना। अभी चिकन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, अभी मैं इसको 5 मिनट के लिए कुकिंग के लिए छोड़ दूंगा। बाद चिकन बन जाएगा उसके बाद हम लोग खा लेंगे, तब तक हम चिकलू से बात करते हैं। हाय चिकलू, आई लव यू। क्या क्या पढ़ाई कर रहा था तुम? क्या पढ़ाई कर रहे? फ्लाइंग कीजिए तो अच्छे से, अच्छे से दो फ्लाइंग कीज दो अच्छे से और भी अच्छे से। गुड इवनिंग एवरीवन। सो अभी हम लोग थोड़ा सो भी के उठे हैं, संडे है तो सोना तो बनता था, तो अभी सो गए हैं, सो के उठे हैं। अभी मैं जा रहा हूँ चाय बनाने, संडे का ड्यूटी चाय का मेरा है तो अभी मैं जा रहा हूँ चाय बनाने। ऐसे चिकन बहुत अच्छा था, अच्छा बना था, तो घर पे आप भी ट्राई कीजिए रेसिपी कैसा लगता है, ठीक है? तो चलिए चाय बनाते हैं, फिर मिलते हैं आपको, आप लोग से। हमारा चाय रेडी हो चुका है, हम लोग सेम जगह पे आ गए हैं जहाँ पे गाड़ी आती जाती रहती है, वहीं पे हम लोग बैठ के शाम का चाय इंजॉय करते हैं और कहीं नहीं, रूम में बैठ के तो बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ ये चाय भी पी रहे हैं और मैं भी जा रही हूँ अपना चाय पीने। हमारा कप टूट गया, हमारा कपल कप टूट गया। और ये अनी अभी सो के उठा है। हे गाइस, हाय कर दो। अभी सो के उठा है इसलिए अभी मूड नहीं है, अनी का बिल्कुल भी मूड नहीं है। हाय एवरीवन, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग ये क्या करने बैठ गए, दिख नहीं रहा। तो ये नूडल्स है, तो हम लोग, आप लोग सोच रहे होंगे कि ब्लॉग बनाते बनाते ये हम लोग क्या करने बैठ गए। तो जैसा हम लोगों ने कल आपको बताया था कि हम लोग रेगुलर 7 दिन चैलेंज करने वाले हैं, तो ये हमारा सेकंड चैलेंज है जो हम लोग आज इस ब्लॉग में करने वाले हैं। हम लोगों ने सोचा ब्लॉग में ही चैलेंज कर लेते हैं, तो ब्लॉग में ही हम लोग चैलेंज कर रहे। तो आज हम लोग का चैलेंज है नो हैंड चैलेंज, मतलब हम लोग हाथ अपना पीछे कर लेंगे, उसके बाद ये जो आपके सामने जो दिख रहा है लंबा लंबा सा चाइनीज डिश जो मुझे जरा भी पसंद नहीं है, लेकिन ये मुंह से खाना है ऐसे करके, गाय जानवरों की तरह खाना है हमें। तो यहाँ पे छोटा सा कोल्ड ड्रिंक है और यहाँ पे नूडल्स। तो यहाँ पे हम लोग नो हैंड चैलेंज करने वाले हैं, तो हमें बिना हाथ लगाए कोल्ड ड्रिंक को भी पीना है। कोल्ड ड्रिंक को एक बार में ही पीना है, बार बार नहीं, नीचे रख रख के ढक्कन खोलने के लिए हाथ लगाना है, बाकी मुंह से एक बार जो उठा उसको खत्म करके रखना है। और जो नहीं खत्म कर पाया, जो नहीं पी पाया वो हार गया, और जो हारेगा उसको सोया सॉस पिएगा, नूडल्स के साथ सोया सॉस भी मिलेगा। आज पूरा चाइनीज हो जाएगा। एक चीज और, क्या नूडल्स खाने के बीच में इसे नहीं पीना है, पहले नूडल्स खत्म करना है उसके बाद ये पीना है, और जो सबसे पहले दोनों टास्क कंप्लीट करेगा वो जीतेगा, और हारने वाले को एक चम्मच सोया सॉस पीना है, ठीक है? नहीं ना चलो नहीं 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 सोया सॉस। तो वीडियो को लेट ना करते, वीडियो स्टार्ट करते, तो चलिए स्टार्ट करते, नहीं चैलेंज को स्टार्ट करते, वीडियो तो ऑलरेडी स्टार्ट है, चैलेंज को स्टार्ट करते। 1 2 3 स्टार्ट। बाबरे इतना कैसे कहेंगे मैंने। आपने मेकअप तो बहुत दिखा लगता है, अभी नया टाइप का मेकअप है, इतना बड़ा बड़ा मुंह है।
बिल्कुल। और प्लीज कमेंट करके बताइए अगर आपके दिमाग में कुछ ऐसा चैलेंज है जो आप चाहते हैं कि हम लोग करें तो प्लीज बताइए, हम डेफिनेटली वो चैलेंज करेंगे। ठीक है, सो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये ब्लॉग और हमारा ये चैलेंज पसंद आया होगा। तो प्लीज हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट चैलेंज के साथ। फ्लो नहीं आया, कितना भी बोले बेचारा को फ्लो नहीं आने वाला। तो कोशिश कर रहे हैं पर कर रहे। तो फिर हम लोग मिलते हैं एक नए चैलेंज के साथ। अब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दो, सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें कि जब भी मैं कोई वीडियो डालू तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके, मेरी वीडियो को पहले देख सके। तो मिलती, तो चलते हम लोग, बाय।